हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। भारत के अगर अन्य राज्यों में या जिलों में अगर बारिश आती है तो लोग पकौड़े बनवाते हैं, चाय बनवाते हैं और जमकर आनंद उठाते हैं, परंतु वहीं फरीदाबाद जिले की बात की जाए तो फरीदाबाद जिले में लोगों को पूछना पड़ता है कि भाई साहब इस रास्ते पर कहीं पानी तो नहीं भरा। चलो पानी तो देखी जाएगी, परंतु यहाँ पर बसें फंस जाती हैं, वाहन फंस जाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर क्रेन के माध्यम से बस को निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ओल्ड फरीदाबाद की देखिए, यहाँ पर मैं मौजूद था, ओल्ड फरीदाबाद का जो अंडरपास है और यहाँ पर देखिए एक स्कूली बस यहाँ पर फंस गई है। स्कूली बस को कड़ी मशक्कत के बाद ये देखिए बच्चे फंस गए थे, बच्चे भी यहाँ पर हैं और ये देखिए यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन के माध्यम से बच्चों को निकाला गया। देखिए यहाँ पर निकल गए हो आप जो है पिता है, क्या क्या कहेंगे? कहते अभी रुक जाओ। बिल्कुल देखिए यहाँ पर निकाला गया है, देखिए तमाम स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ये फंस गए थे। देखिए यहाँ पर टीचर भी मौजूद है कड़ी मशक्कत के बाद। यहाँ पर देखिए मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की बस है और यहाँ पर देखिए बच्चे हाथ हिला रहे हैं और देखिए यहाँ पर अंडर पास पर पानी भर गया था, पानी के चलते यहाँ पर जो है बस है वो फंस गई थी। यहाँ पर देखिए तमाम स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए क्रेन के माध्यम से यहाँ पर स्कूली बच्चों को निकाला गया, बस जो है यहाँ पर फंस जाती है। ऐसे में फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जगह जगह पानी भरा होता है। ये देखिए यहाँ पर स्कूली बस फंस जाती है, क्रेन के माध्यम से बस को निकाला जाता है। ऐसे में तमाम जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, मॉडर्न दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल की बस है, यहाँ पर देखिए बस को निकाला गया है। और फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जगह जगह जो है कीचड़ भरी रहती है, पानी भरा रहता है और अंडर पास पर देखिए एक बार नजारा देख लीजिए अंडर पास का, कि स्कूली बस को क्रेन के माध्यम से निकाला जाता है और क्रेन के माध्यम से भी देखिए घुटने घुटने भर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। देखिए लोग कैसे यहाँ पर कड़ी मशक्कत करके निकल रहे हैं और सामने देखिए लोग जो है कमर तक जो है पानी भर गया है लोगों के। ये देखिए यहाँ पर एक और तस्वीर आप देख रहे होंगे कि एक जो है कैंटर भी वहां पर फंस गया है, छोटा हाथी भी वहां पर फंस गया है। लोग देखिए यहाँ पर सहारा ले रहे हैं और सहारा भी ऐसा कि पाइप पकड़ कर लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं, एक जो है आना जाना कर रहे हैं, परंतु बड़ी बात यह है कि बस फंस जाती है, स्कूली बस फंस जाती है और ऐसे में स्कूली बच्चों का रेस्क्यू किया जाता है और रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पर जेसीबी मंगाई जाती है, क्रेन मंगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नजारा कुछ ऐसा होता है कि चैन के माध्यम से देखिए चैन हाथ में है और चैन के माध्यम से बस को निकाला जाता है। जी एंजल, क्या काम करते हैं आप? अंकल जी हमने बचा लिया बच्ची, बचा लिया। देखिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर बचा लिया गया है और देखिए स्कूली बच्चे हैं और अपने माता पिता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने बच्चों को सकुशल लाने के लिए। यहाँ पर सूचना दे दी गई थी माता पिता को कि जो बस है वो यहाँ पर फंस गई है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये देखिए तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं, स्कूली बस यहाँ पर फंस गई थी परंतु सकुशल अब बच्चों को निकाल लिया गया है। देखिए माता पिता भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, पिता भी यहाँ पर पहुंच गए, स्कूली बच्चों को यहाँ पर अब जो है बस के जरिए नहीं, अब स्कूटी और अपने अन्य वाहनों के जरिए यहाँ पर देखिए बुलाया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर देखिए पिता हैं जी। सर आपको कोई बच्चा है यहाँ पर? अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे दो ही पढ़ते हैं। कैसे सूचना मिली आपको कि बच्चे यहाँ पर फंस गए? फोन किया, बस लेट हो गई काफी। बस कितनी लेट हो गई है? 15-20 मिनट लेट हो गई थी। 2:30 आया थी पटेल चौक। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे, बस फंस गई थी, काफी कड़ी मशक्कत के बाद जो है निकालना पड़ा बच्चों को, पर रूट चेंज कर दिया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, मजा आया। बिल्कुल देखिए स्कूली बच्चे हैं और स्कूली बच्चों को तो काफी मजा आया और यहाँ पर देखिए तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सामने एक जो है छोटा हाथी फंसा हुआ है, स्कूली बच्चों को यहाँ पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है निकलने में और ये देखिए सहारा लेना पड़ रहा है पाइप का और पाइप के माध्यम से यहाँ पर निकल रहे हैं। और तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 के माध्यम से और सिटी न्यूज 100 लगातार जन समस्याएं उठाता हुआ नजर आता है फरीदाबाद में। और कोई भी आपको तस्वीर अगर आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर जो हमारे पेज पर है उस पर आप साझा कर सकते हैं। परंतु ये देखिए स्कूली बच्चे कैसे कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से निकल रहे हैं, तमाम दावे यहाँ पर किए जाते हैं ओल्ड अंडरपास के, परंतु दावे फेल हो जाते हैं। और एक बड़ी खबर यहाँ पर जो है सामने देखिए गिरती जो बच्ची है अभी देख रहे होंगे आप, और देखिए पल पल की जो अपडेट है हम आपको देते रहते हैं। और ऐसे ही अब ओल्ड अंडरपास में मौजूद था, यहाँ पर एक बस जो है वो फंस गई थी, बस को कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से निकाला गया। ये देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और जेसीबी क्रेन के माध्यम से यहाँ पर निकाला जा रहा था। ये देखिए बच्चे जो है हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। और ये देखिए दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी तरफ भी काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, काफी संख्या में लोग खड़े हैं, घबरा रहे हैं कि ओल्ड अंडरपास पर अगर उनका जो वाहन है वो फंस ना जाए, कहीं अटक ना जाए। जैसे ये बस फंस गई थी, बस जो है काफी सीसी का इसका बस का इंजन होता है, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ पर बस फंस जाती है, लोगों को निकलने में काफी परेशानी होती है। तो एक बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है कि एक बस फंस जाती है और बस फंसने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर जो है
क्रेन के माध्यम से, एक देखिए दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा, स्कूली बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और ये देखिए काफी थोड़ी सी बरसात होती है, और थोड़ी सी बरसात होने के बावजूद भी देखिए यहाँ पर और भी स्कूटी सवार मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? अरुण नाम है सर जी। अरुण भाई कहाँ रहते हैं आप? भाई मैं रहता हूँ दिल्ली। अच्छा ये बस आपके सामने फंसी थी? हाँ जी मेरे सामने फंसी है। कितना समय हो गया बस को फंसे हुए? ये से हो गया आधे घंटा की, एक घंटा हो गया करीब। एक घंटा हो गया तो एक घंटे में निकाली नहीं गई अभी तक? अभी नहीं निकाली, अब लगा लिए इस मशीन में आके। अच्छा उसके बाद हम भी खड़े हुए एक घंटे से, मेरे को भी इधर जाना है दिल्ली से, आये माल लग रहा है हमारे हाथ में। अच्छा और भी काफी वाहन फंसे थे यहाँ पे? हाँ दो तीन गाड़ी और फंसी थी। अच्छा कार वगैरह भी फंसी हुई थी यहाँ पे, वो निकल गई है। अच्छा बच्चे घबराए हुए थे कि भाई बस निकलेगी नहीं निकलेगी? बच्चे तो डर रहे थे भाई, जाहिर सी बात है जब पानी में फंसेगी तो बच्चे तो डरेंगे कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब क्या माहौल है, अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो निकल सकते हैं यहाँ से? नहीं निकल सकते हैं, और मैप में रोड देख रहे हैं तो रोड भी नहीं दिखाई दे रहा। रोड भी दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा आगे से। अच्छा अब इसका इंतजार कर रहे हैं, घंटा हो गया मेरे को भी यहाँ खड़े खड़े, और एक कस्टमर के यहाँ देख के भी आना मेरे को डिलीवरी। तो दिल्ली से पहली बार यहाँ पर आए हैं? सर मैं आ चुका हूँ दो तीन बार, पर मैं बारिश में आया हूँ, मेरे को ये नहीं पता था पानी भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए दिल्ली से यहाँ पर युवक